my very own. हर कोई वैसा नहीं होता है जैसा कि हमको दिखता है, और हर आदमी के अंदर बहुत सारे राज छुपे होते हैं। अगर हम किसी के छलावे में फंस जाए तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होगा। और आज की हमारी कहानी एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। मूवी का नाम है ग्रैंड आइलैंड, और इस मूवी की कहानी शुरू होती है फैंसी नाम की एक औरत से, जिसके घर में दो बच्चियां कुकीज बेचने आई थी। लेकिन बच्चियों को फैंसी की बातें बहुत अजीब लगती है और वो डरकर वहां से भाग जाते हैं। उसी रात को एक चोर उनके घर में आता है, लेकिन फैंसी के हस्बैंड वाल्टर चोर को देख लेता है और वो गन लेकर चोर के पीछे पड़ जाता है। चोर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वाल्टर चोर पर गोली चलाता है। सीन इसी के साथ में कट होता है और कहानी फिर एक पुलिस स्टेशन पर आती है, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर जॉन्स बडी को किसी मर्डर के बारे में पूछताछ कर रहा था, तो इसलिए बडी उनको मर्डर के दिन के सभी इंसिडेंट बताने लगता है। अब अगेन कहानी एक दिन पास्ट की तरफ आती है, जहाँ पर हम बडी की वाइफ लीजा और उसकी एक छोटी सी बेटी को देख पाते हैं। बडी की बेटी बीमार थी और उसके ट्रीटमेंट के लिए उनके पास पूरे पैसे नहीं थे, लेकिन बडी को एक दिन के लिए फेंस ठीक करने का काम मिल जाता है। बडी बहुत महीनों से लीजा के साथ में इंटीमेट नहीं हुआ था, जिस बारे में वो लीजा से बात भी करता है। वो लीजा बडी से कुछ और टाइम मांगती है, क्योंकि कुछ ही महीनों पहले उसकी डिलीवरी हुई थी। फिर उसी दिन बडी वाल्टर के घर पर जाता है ताकि वो फेंस को ठीक कर सके, जिसके लिए उसे $200 मिलने वाले थे। वाल्टर की बहुत सी बातें बडी को अजीब लगती है, और फिर भी वो वहाँ पर काम शुरू कर देता है। फिर घर के अंदर फैंसी वाल्टर को सेड्यूस कर रही थी, लेकिन वाल्टर सो रहा था, जिस वजह से फैंसी उस पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि उनकी आज एनिवर्सरी थी। वाल्टर फैंसी से उसके इस बिहेवियर के लिए माफी भी मांगता है, और फैंसी फिर भी वाल्टर से नाराज थी, क्योंकि वो बस दिन भर ड्रिंक करता रहता था। अब बातों ही बातों में फैंसी और वाल्टर के बीच में एक छोटा सा झगड़ा होता है, और कुछ ही देर के बाद में बडी जब काम कर रहा था तो फैंसी उसको चुपचाप देख रही थी। फैंसी बडी के लिए एक ड्रिंक लेकर आती है और दोनों एक दूसरे से बातें भी करते हैं। फैंसी की तरफ देखते देखते बडी खुद की फिंगर को थोड़ा सा जख्मी कर लेता है, और ये देखकर फैंसी बडी को घर के अंदर ले जाती है। वो उसकी उंगलियों पर मेडिसिन लगाने का बहाना करके उसकी उंगलियों पर किस करती है, जो कि वाल्टर भी देख लेता है। वाल्टर को देखकर बडी बाहर अपना काम पूरा करने के लिए चला जाता है, और वाल्टर यहाँ पर फैंसी से कहता है कि फैंसी जो भी उसको जेलस कराने के लिए कर रही है, इससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर कुछ देर के बाद में बडी जब काम कर रहा था तो वाल्टर फैंसी में कुछ बियर बोतल रख देता है, और फिर बालकनी से गन चलाकर उस बोतल पर निशाना लगाता है। वाल्टर के इस बिहेवियर से गुस्सा होकर बडी उसको ये सब करने से मना करता है, और तब जाकर वाल्टर रुकता है। फिर उस शाम तूफान के साथ साथ बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिस वजह से बडी पूरा काम नहीं कर पाता है। वो अगले दिन आकर अपना काम पूरा करने का प्रॉमिस करता है, और वाल्टर से अपने पेमेंट भी मांगता है, लेकिन वाल्टर बडी को पूरे पैसे नहीं देता है, तो इसीलिए बडी को बहुत बुरा भी लगता है। जाने से पहले बडी फैंसी को थैंक्स कहता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन बडी का ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो इसीलिए उसको फिर से घर के अंदर आना पड़ता है। अगेन सीन कट होता है, और कहानी अब प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर बडी जॉन्स को बता रहा था कि वो इससे पहले वाल्टर और फैंसी को नहीं जानता था, और ना ही वो किसी को हर्ट कर सकता है। कहानी अगेन पास्ट की तरफ आती है, जहाँ पर बडी घर वापस जाने के लिए वाल्टर की कार मांगता है, लेकिन वाल्टर उसको अपनी कार नहीं देता है। तब बडी वाल्टर से उसका फोन यूज करने की परमिशन मांगता है, जिसके लिए वाल्टर राजी हो जाता है। बडी घर पर कॉल करके लीजा को अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है कि वो आज रात तूफान के कारण घर पर नहीं आ सकता है। ये बात सुनकर लीजा बडी पर बहुत गुस्सा होती है और कॉल को काट देती है। बडी को भी अपनी तरह अपनी वाइफ से परेशान होता दिखकर वाल्टर बडी को ड्रिंक ऑफर करता है। फिर उसके बाद तीनों ड्रिंक करते हैं, और यहाँ पर हमें उनकी बातों से पता चलता है कि वाल्टर पहले मिलिट्री में हुआ करता था, और वियतनाम के वॉर के बाद में वाल्टर और फैंसी एक दूसरे से मिले थे, और उन्होंने आपस में शादी कर ली थी। पहले तो वाल्टर का बिहेवियर फैंसी को पसंद आता था, लेकिन अब उसको उसका बिहेवियर पर गुस्सा आता है। यहाँ पर वाल्टर और फैंसी एक दूसरे पर बुरे बुरे कमेंट भी करने लगते हैं, और बडी बस चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। फैंसी यहाँ पर बडी के लेग्स को टच कर रही थी, जिस वजह से बडी बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, और वाल्टर से भी डर रहा था। अब वहाँ पर चल रहे टीवी की न्यूज समय पता चलता है कि एक यंग आदमी मिसिंग है। फिर डिनर के बाद वाल्टर जब सो जाता है तो फैंसी उसको अपना बेडरूम दिखाने के लिए ले जाती है, और रूम के पास में बडी एक डोर को नोटिस करता है जहाँ पर लॉक लगा हुआ था। फैंसी बडी को बताती है कि वो बस एक स्टोरेज बेसमेंट है। रूम के अंदर जाने के बाद में फैंसी चेंज करने जाती है, और बडी रूम के अंदर कुछ वुडू डॉल को नोटिस करता है। फैंसी यहाँ पर बडी से फ्लर्ट कर रही थी, और वो उसके करीब आने की कोशिश भी कर रही थी, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि फैंसी को माँ बनना था, लेकिन अपनी मेडिकल कंडीशन की वजह से वो माँ नहीं बन पाई थी। फैंसी फिर बडी को अपनी सेक्सुअल फैंटेसी बता रही थी, जिस वजह से बडी बहुत ही नर्वस फील कर रहा था।
बडी जब रूम से बाहर जा रहा था तो वो एक टेबल से टकरा कर गिर जाता है, जिसकी वजह से वॉल्टर अपनी नींद से उठ जाता है। लेकिन वॉल्टर रूम के अंदर नहीं जाता है और बाहर ही खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगता है। फिर अब बडी लिविंग रूम में सो जाता है और बीच में जब उसकी नींद खुलती है तो वॉल्टर उसके सामने गन लेकर बैठा हुआ था और वॉल्टर को ऐसा देखकर बडी डर जाता है। लेकिन वॉल्टर उसके साथ ड्रिंक करने के लिए बडी को इनवाइट कर रहा था और ड्रिंक करके दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि वॉल्टर की तरह बडी भी मिलिट्री में था और एक बार वॉर में उसकी वजह से उसके एक साथी की जान चली गई थी, जिसके लिए बडी खुद को जिम्मेदार मानता था और उसके बाद बडी ने अपनी मिलिट्री की जॉब छोड़ दी थी। वॉल्टर यहाँ पर बडी को बताता है कि उनका मिलना एक डेस्टिनी है और वॉल्टर बडी को $20,000 से भरा हुआ एक बैग देकर फैंसी को मारने को कहता है, क्योंकि फैंसी को कैंसर था और वॉल्टर फैंसी को दर्द में नहीं देख पा रहा था। बडी ऐसा काम नहीं करना चाहता था। तब वॉल्टर उसे समझाता है कि इन पैसों से उसकी बेटी का ट्रीटमेंट हो जाएगा और लिजा भी उससे खुश रहेगी। तब जाकर वॉल्टर फैंसी को मारने के लिए राजी हो जाता है और वॉल्टर बडी को एक साइनाइड की बोतल देता है फैंसी को मारने के लिए। बडी अब फैंसी के पास में जाता है और फैंसी तब बाथटब में नहा रही थी। दोनों एक दूसरे से अपनी लाइफ की बातें शेयर करते हैं और इसी दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों वहां पर इंटीमेट भी होते हैं। मूवी अगेन प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर जॉन्स बडी को पूछ रहा था कि शादीशुदा होने के बाद भी उसने फैंसी के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप क्यों बनाया और बडी के मुताबिक वो सब इतना जल्दी हुआ कि वो खुद को रोक नहीं पाया और उससे गलती हो गई थी। लेकिन बडी यहाँ पर कबूल नहीं कर रहा था कि उसने ही मर्डर किया है। कहानी अगेन पास्ट की तरफ आती है, जहाँ पर फैंसी को बडी के कपड़ों में से साइनाइड की बोतल मिलती है और तब बडी को मजबूरी में बताना पड़ता है कि फैंसी को कैंसर है और इसीलिए वॉल्टर उसे माना जाता है। लेकिन फैंसी के मुताबिक वो तो बीमार बिल्कुल भी नहीं थी। फैंसी अब वॉल्टर के पास जाती है और वो उससे पहले तो प्यार से बातें करती है और जब वॉल्टर का ध्यान नहीं था तब फैंसी उसके हाथ में एक चाकू घुसा देती है। वॉल्टर फैंसी को थप्पड़ मारता है, जिसके बाद फैंसी बेहोश हो जाती है और बडी को गन दिखाकर वो उसका अधूरा काम पूरा करने को कहता है। लेकिन उसी टाइम बहुत तेज तूफान आने के कारण वहां की एक विंडो टूट जाती है और उसी मौके का फायदा उठाकर बडी वॉल्टर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद में वो वॉल्टर को बांध देता है। अब कुछ देर के बाद में जब फैंसी और वॉल्टर होश में आते हैं तो वॉल्टर बडी से एक वॉरियर की तरह उसको मारने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन बडी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। वो बस फैंसी को लेकर वहां से जाना चाहता था। बडी वॉल्टर से उसकी कार कीज मांगता है और वॉल्टर फैंसी को अपना सच बताने को कहता है। बडी वॉल्टर की बात पर ध्यान न दे इसलिए फैंसी बडी को सेड्यूस करने लगती है, लेकिन फिर भी बडी वॉल्टर से उसकी बात का मतलब पूछ लेता है। वॉल्टर बडी को बेसमेंट चेक करने को कहता है और तब बडी वॉल्टर से चाबियां लेकर बेसमेंट का ताला खोल लेता है। बडी को रोकने के लिए फैंसी उस पर गोली चलाती है, लेकिन किसी तरह बडी बेसमेंट के अंदर चला जाता है। फैंसी फिर वॉल्टर की रस्सियां खोलती है और दोनों फिर बडी को पकड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ बेसमेंट में बडी को वही चोर मिलता है जो कि कल रात वॉल्टर के घर पर चोरी करने के लिए आया था और वो चोर बहुत ही जख्मी हालत में था। वहीं पर बडी को एक जापानीज राइटिंग वाला एक कपड़े का टुकड़ा दिखाई देता है। चोर से बडी को पता चलता है कि वहां पर और भी लोग कैद हैं। तभी वहां पर वॉल्टर आता है तो इसीलिए बडी दूसरे रास्ते से ऊपर का रूम में चला जाता है और फैंसी भी बडी को रोक नहीं पाती है। एटिक में जाकर बडी वॉल्टर की दूसरी गन लोड करता है और वॉल्टर के वहां आते ही बडी उस पर गोले चलाता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। फिर इसके बाद दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और तभी तूफान के कारण एक विंडो का ग्लास टूटकर वॉल्टर की बॉडी में घुस जाता है और मौके का फायदा उठाकर बडी वॉल्टर को नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। लेकिन फिर भी बडी वहां से भाग नहीं पाता है क्योंकि फैंसी उसके सर पर वार करके उसके बेहोश कर देती है। फिर अगले सुबह जब बडी की आंखें खुलती है तो वो अपने ट्रक में था और उसके ट्रक में उसी चोर की डेड बॉडी थी। बडी कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही पुलिस वहां पर आकर बडी को अरेस्ट कर लेती है और इसी तरह बडी को मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट किया गया था। कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर बडी जॉन्स को वॉल्टर के घर का बेसमेंट चेक करने को कहता है। जॉन्स बडी की बात पर बिलीव नहीं कर रहा था और उसी टाइम वहां पर लिजा आती है और जॉन्स दोनों को बात करने की परमिशन दे देता है। लिजा बडी से नफरत करने लगी थी क्योंकि उसने फैंसी के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया था। इधर जॉन को पता चलता है कि बडी ने जिस जापानीज राइटिंग वाले कपड़े की बात की थी सेम उसी तरीके की एक ड्रेस एक मिसिंग लड़की ने पहनी थी, तो इसीलिए जॉन्स वॉल्टर के घर में चेक करने का डिसाइड करता है। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर न्यूटन सर्च वारंट लेकर वॉल्टर के घर पर जाता है। वॉल्टर की इंजरीज के बारे में पूछने पर वो पुलिस को झूठ बोलता है कि तूफान के कारण उसका एक एक्सीडेंट हो गया। अब ऑफिसर गैरेट को नजर रखने का बोलकर न्यूटन बाकी ऑफिसर के साथ में बेसमेंट चेक करने जाते हैं, जहां पर उनको किसी की आवाज भी सुनाई देती है।
वाल्टर को पता था कि वो दोनों फंसने वाले हैं, तो इसीलिए वो फैंसी को भागने को कहता है, लेकिन फैंसी अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, जिस वजह से वाल्टर फैंसी पर गुस्सा करता है और ऑफिसर गैरेट पर अटैक करके वहां से भाग जाता है। ऑफिसर को वहां पर एक मिसिंग लड़की मिलती है और पुलिस फैंसी को अरेस्ट करके बडी को छोड़ देती है, लेकिन तब तक लीजा अपनी बच्ची को लेकर अपना घर और बडी को छोड़कर चली गई थी। फिर इसी के साथ में कहानी अब 10 दिन के बाद से शुरू होती है, जहाँ पर वाल्टर लीजा को होस्टेज बनाकर बडी के सामने आता है। उस टाइम बडी एक रेस्टोरेंट में था और बडी एक वेटर से पुलिस को कॉल लगाने को कहता है और खुद वाल्टर के सामने जाता है। वाल्टर यहाँ पर बडी को अपने साथ मिलने जाने आया था और लीजा के लिए बडी वाल्टर के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। वाल्टर लीजा को छोड़कर बडी को अपनी गन पॉइंट पर लेता है, लेकिन तब तक पुलिस भी वहां पर आ जाती है। वाल्टर पुलिस से बडी के बदले में फैंसी को मांगता है, लेकिन उसी टाइम फैंसी को मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया था। वाल्टर गुस्से में बडी को छोड़कर पुलिस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन पूरी पुलिस फोर्स वाल्टर को ही जान से मार डालती है और इसी दौरान बडी भी जख्मी हो जाता है। अब कुछ टाइम के बाद हम बडी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर लीजा ने बडी को माफ कर दिया था और दोनों का रिलेशनशिप भी ठीक हो गया था। यहाँ पर हम न्यूज में ये देख पाते हैं कि वाल्टर और फैंसी ने बहुत सारे लोगों को किडनैप किया था ताकि लड़कियों से बच्चे पैदा करवाए जाए और लड़कों से फैंसी अपने सेक्सुअल डिजायर पूरा करें। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, इस कहानी में हमने एक अजीब से कपल को देखा। उनका रिलेशनशिप पहले तो बहुत ही ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में वाल्टर और फैंसी को ये पता चला कि फैंसी माँ नहीं बन सकती है, जिस वजह से फैंसी मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। वाल्टर को मिलिट्री से बहुत प्यार था, लेकिन अपने पैर की इंजरी के बाद में उसने अपनी मिलिट्री की जॉब छोड़ दी, जिसके बाद वो भी मेंटली डिस्टर्ब हो गया। इन सब इंसिडेंट्स की वजह से वाल्टर और फैंसी का रिलेशनशिप खराब चल रहा था। फैंसी की भी सेक्सुअल फैंटेसी पूरी नहीं हो पा रही थी और वाल्टर फैंसी को सेक्सुअल खुशी नहीं दे पा रहा था, तो इसलिए दोनों ने मिलकर उनके घर में आए लोगों को किडनैप करना शुरू किया। किडनैप किए गए लड़कों के साथ में फैंसी अपना सेक्सुअल डिजायर पूरा करती थी और किडनैप की गई लड़कियों के साथ में वाल्टर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता था ताकि फैंसी को एक बच्चा मिल सके। बडी को भी वे दोनों अपना शिकार बनाने वाले थे, लेकिन बडी ने अपनी समझदारी के कारण दोनों के राज को ही दुनिया के सामने ला दिया और दोनों पकड़े गए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करना न भूलिएगा। और अगर आपको इस मूवी को देखना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पर सारी मूवीज को अपलोड